मेरी शादी 5 लड़कों से हो गई। शरीर से हट्टे कट्टे और मैं बिल्कुल दुबली पतली, उन सबको कैसे झेलती। जैसे ही सुहागरात का टाइम आया, वो 5 लोग बारी बारी से मेरे साथ सुहागरात मनाने लगे। ये सब देख कर तो मेरे पैरों तले से ज़मीन खिसक गई। दरअसल मैं ऐसे खानदान में पैदा हुई थी जहाँ सभी भाइयों की दुल्हन एक ही लड़की बनती थी। मेरी माँ भी मेरे पापा और ताऊ जी और चाचा जी की एक ही पत्नी थी। मैं 15 साल की थी और मुझसे बड़े 4 भाई थे। घर में शादी का माहौल था क्योंकि मेरे 4 भाइयों की शादी थी। भाभी सिर्फ एक थी, तभी मुझे उस बारे में कुछ खबर नहीं थी। मैं बिल्कुल अनजान थी, मुझे नहीं पता था कि ऐसे भी कोई रिवाज होता है। मैं तो इस खुशी में झूम रही थी, घर में मेरी 4 भाभियाँ आएंगी। लेकिन भाभी की शादी के बाद जब दुल्हन का गृह प्रवेश किया जा रहा था, तो मेरे 4 दूल्हे भाई के साथ केवल एक ही दुल्हन थी। सब लोग बहुत खुश थे कि घर में बहू आ गई, पर मैं सिर्फ इसी सोच में थी कि आखिर मेरी बाकी 3 भाभियाँ कहाँ हैं। खैर, मैं इस सब को भूल गई और नाचने में लग गए। कुछ दिन यूं ही निकलते गए। रोज देखती कि मेरी भाभी के पास सभी भाई जाते हैं। पढ़ाई लिखाई उस समय होती नहीं थी, और अगर थोड़ी बहुत होती तो वो सिर्फ लड़कों के लिए। लड़कियों को पढ़ाई नहीं करने दी जाती थी। कुछ दिन बाद मेरी सहेली की बहन की शादी थी। उसके पिताजी और मेरे पिताजी अच्छे दोस्त थे, इसलिए उनकी शादी में हमारे पूरे परिवार को बुलाया गया था। सब लोगों के साथ मैं भी वहां गई। जब उनके यहां बारात आई तो 3 दूल्हे थे। मैं फिर सोचने लगी कि इनके यहाँ तो सिर्फ एक लड़की की ही शादी है, तो फिर दूल्हे 3 कैसे। खैर, उनकी शादी के बाद मैं घर आ गई। जब माँ को घर का सारा काम करके खाली बैठे देखा, तो मैंने माँ से पूछ लिया कि आखिर ये क्या है, एक लड़की के इतने सारे दूल्हा कैसे हो सकते हैं। तभी मेरी माँ ने मुझे प्यार से समझाया कि बेटी, हमारे समाज की एक प्रथा है जिसमें जहाँ लड़कियों का रिश्ता तय किया जाता है, वहाँ जितने भी भाई होते हैं उन सब से शादी एक ही लड़की से होती है। मैंने माँ से पूछा कि इतने सारे लड़कों को एक अकेली लड़की कैसे संभाल पाती है। तभी माँ ने कहा कि बेटा, अब जैसा भी हो ये बात तो करना ही पड़ता है। अब लड़की की किस्मत बता सकती है कि उसके कितने लड़कों के साथ शादी हो सकती है। मेरी ज़्यादा कुछ समझ में नहीं आ रहा था, तो मैं वहाँ से उठकर चली आई। कुछ दिन बाद जब मैं 18 साल की हुई, तो मेरे घर पर मेरी शादी करने की बात चलने लगी। भाई और पापा ने मेरे लिए रिश्ता देखना शुरू कर दिया। मैं बिल्कुल भी खुश नहीं थी शादी करवाने के लिए, क्योंकि मेरा दिल इसलिए घबरा रहा था कि पता नहीं कितने लड़कों से मेरी शादी होगी, उसके बाद मैं उन सबको कैसे संभालूंगी। लेकिन मेरी कहाँ चलने वाली थी, आखिर होना तो वही था जो घर के बड़े चाहते थे। खैर, दूसरे दिन मैं अपनी माँ के साथ बैठी थी, तभी मेरे सबसे बड़े भाई आए और कहने लगे कि नीतू का रिश्ता तय कर दिया गया है, बहुत अच्छा खानदान है, लड़के 5 भाई हैं। ये सुनते ही मेरे पैरों तले से ज़मीन खिसक गई। 5 लड़कों को मैं कैसे संभाल पाऊंगी, बस यही सोच मुझे खाए जा रही थी। मैं बार बार इस समाज के इस गलत रिवाज के बारे में सोच रही थी। हम लड़कियों का ख्याल जरा भी नहीं है किसी को। मैंने कई प्रयास किए कि किसी भी तरह ये शादी ना हो, लेकिन शायद किस्मत में भी यही लिखा था। मैंने अपनी माँ और भाभी से इस बारे में बात की, लेकिन उन्होंने भी मुझे बोल दिया कि तुम्हें अब इसे स्वीकार करना पड़ेगा। मेरी माँ कहने लगी कि मैं और तुम्हारी भाभी भी तो सब झेल रहे हैं। शुरू शुरू में तुम्हें तकलीफ होगी, लेकिन बाद में तुम अपने आप सहन करना सीख जाओगी। मैं दुखी मन से वहाँ से चली आई। अब जैसे जैसे शादी के दिन नज़दीक आ रहे थे, मैं गहरी चिंता में डूबी जा रही थी। आखिर वो दिन आ ही गया जिस दिन का हर लड़की को इंतजार रहता है, लेकिन मैं इस दिन को नहीं चाहती थी, क्योंकि मैंने शुरू से ही किसी एक का ही सपना देखा था, ना कि 5 का। सब लोग अपने अपने काम में लग चुके थे। कोई तैयार हो रहा था, कोई बारात के स्वागत की तैयारी में, मुझे भी तैयार किया गया। रंग गोरा होने की वजह से मैं सबसे सुंदर लग रही थी। दुल्हन के जोड़े में भी मैं बहुत सुंदर दिख रही थी, लेकिन मुझे अपनी सुंदरता नहीं दिख रही थी। मुझे सिर्फ ये चिंता सताई जा रही थी कि आखिर कैसे होगा सब। आगे कुछ नहीं कर सकती थी,
तभी उन पांचों ने बारी बारी मेरी मांग में सिंदूर लगाया और एक बड़ा सा मंगलसूत्र एक साथ मेरे गले में पहनाया। फिर फेरों के लिए उन पांचों के साथ मेरा पल्लू बांधा और फेरा करवाया। फिर हमारी शादी पूरी हो गई। मुझे अपने कमरे में ले जाया गया जहाँ कुछ महिलाएं के साथ मेरी भाभी और माँ थी। उन्होंने मुझे कहा कि देखो बेटा, अब से उन पांचों के साथ ही तुम्हारा संसार है। तुम कभी भी उन लोगों को निराश मत करना, ना ही कभी उनकी सेवा में कोई कमी रखना। हम सब की हमेशा लाज रखना। उनकी ये सब बातें मुझे अंदर से झकझोर रही थी। मैं चाह कर भी अपने ससुराल नहीं जाना चाहती थी, लेकिन मैं इस प्रथा की जंजीर में इस कदर जकड़ी हुई थी कि चाह कर भी अपने आप को आज़ाद नहीं करवा सकती थी। खैर, विदाई का समय हो चुका था। सब लोगों ने मेरी विदाई कर दिया। मैं अपने ससुराल के लिए निकल गई। ससुराल पहुंचते ही सब लोगों ने रस्में पूरी की और मुझे खाना खिलाया। इतनी सुंदर बहू पाकर मेरे सास ससुर बहुत खुश थे। जो लोग भी आए हुए थे, सब लोग मेरे ही चर्चा कर रहे थे, लेकिन उन लोगों की तारीफों का मुझ पर कोई असर नहीं पड़ रहा था जो मेरी चिंता दूर कर दे। अब रात हो चुकी थी। फूलों से सजा और इत्र की खुशबू से भरे कमरे में मुझे ले जाया गया और मुझे घूंघट निकलवा कर वहाँ बैठा दिया गया। फिर कुछ देर बाद मेरे सबसे पति आए। उन्होंने मेरे साथ सुहाग रात मनाई और चले गए। मैं दर्द से कराह रही थी, लेकिन फिर भी मैंने खुद को संभाला और अपने कपड़े सही किए और फिर से सेज पर बैठ गई। फिर मेरा दूसरा पति कमरे में आया और उसने भी मेरे साथ वही किया। ऐसे करते करते मेरे पांचों पतियों ने मेरे साथ सुहाग रात मनाई। सुबह फिर उठकर मुझे घर के कामों में लगा दिया। दर्द के कारण मुझे ठीक से काम भी नहीं किया जा रहा था, लेकिन मैं आखिर कर भी क्या सकती थी। ऐसे रोज रोज होता रहा। रात भर एक मशीन की तरह वो लोग मेरे साथ गलत व्यवहार करते थे और दिन में घर का काम मेरी हालत खराब कर देता। फिर एक दिन मुझे अपने माता पिता से मिलवाने के लिए मेरे पीहर ले जाया गया। वहाँ जाकर मैं सब लोगों से मिलकर बहुत अच्छा महसूस करने लगी, लेकिन मैंने अपनी भाभी को सब कुछ बताया, जो उन्होंने मुझे दिलासा दिया और कहा कि मैं तुम्हारे भाइयों से इस बारे में बात करूंगी। तभी मेरे वापस आने का समय हो गया और मैं अपने ससुराल चली आई। इधर मेरी भाभी ने मेरे भाइयों से बात करके मेरी सास को बोला कि हमारी नीतू बहुत कमजोर है, वो एक साथ पांच लोगों के साथ संबंध बनाने में अभी सक्षम नहीं है, तो आप थोड़ा दया करो उस पर। फिर मेरी सास ने मेरे पांचों पतियों का दिन बांध दिए कि एक पति एक रात को ही मेरे साथ रह सकता है और इस तरह हर पति को हफ्ते में एक बार मेरे साथ आने की बारी आती। अब मैं कुछ ठीक होने लगी थी, क्योंकि अब रोजाना सिर्फ एक ही पति मुझसे संबंध बनाता था, लेकिन मेरे सबसे छोटे पति बाकी सबसे अलग थे। वो मुझे समझते थे, मेरे मूड का भी ध्यान रखते थे और मेरी हर तकलीफ को समझते थे। जब कभी मेरी तबीयत ठीक ना होती तो मेरा ख्याल रखते थे। मैं भी उनसे ज़्यादा प्यार करती थी, क्योंकि सिर्फ वो ही थे जो मुझे अपना मानते थे। अब धीरे धीरे हम दोनों में एक दूसरे के ही सपने देखने लगे थे। मेरे सबसे छोटे पति को अब बिल्कुल पसंद नहीं होता कि उनके बड़े भाई मुझे छुए, लेकिन उनकी और मेरी एक ना चलती थी। आखिर उनकी भी पत्नी थी मैं। एक दिन मेरे सबसे बड़े पति ने मुझे कहा कि तुम राहुल यानी कि मेरे सबसे छोटे पति को इतना प्यार क्यों देती हो? आखिर हम भी तो तुम्हारे पति हैं, हमें तो तुम इस तरह से प्यार नहीं करती। मैं उन्हें कुछ नहीं बोल पाई। फिर उन्होंने गुस्से में मुझे पीटना शुरू कर दिया और गलत व्यवहार मेरे साथ किया। मैं दर्द से कराहती रही, लेकिन उन्होंने मुझे पर बिल्कुल भी दया नहीं की। इस तरह से उनकी तरह मेरे बाकी पति भी मेरी राहुल के साथ प्यार बिल्कुल भी नहीं भाता था। वो भी मुझे मारपीट का शिकार बनाने लगते। राहुल को ये सब बिल्कुल भी पसंद नहीं आ रहा था, लेकिन वो बेचारे क्या करते। एक दिन मेरे मायके से संदेशा आया कि मेरे भतीजा हुआ है, तो मुझे वहाँ बुलाया गया है। मेरे सास ससुर ने मुझसे कहा कि कल तुम अपने मायके चली जाना, तुम्हें राहुल छोड़ आएगा और 2 दिन बाद वापस ले आएगा। मैं खुश हुई, क्योंकि कम से कम 2 दिन मैं तो इन हैवानों से छुटकारा पाऊंगी। उस रात राहुल की बारी थी मेरे कमरे में आने की।
रात होते ही राहुल मेरे कमरे में आए। मैं उन्हें देखकर कपड़े उतारने लगी, तभी राहुल ने मेरा हाथ पकड़ लिया और मुझे आराम से बैठाया। मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा था, तभी राहुल कहने लगे कि देखो नीतू, मुझसे तुम्हारी ये तकलीफ नहीं देखी जाती है और ऊपर से तुम्हें कोई और छुए मुझे बिल्कुल बर्दाश्त नहीं होता है। तभी मैंने कहा कि अब हम कर भी क्या सकते हैं, और सच कहूँ तो मैं भी आपके साथ ही रहना चाहती हूँ, क्योंकि मैंने भी हमेशा से सिर्फ एक पति का सपना देखा और इस समाज की प्रथा ने मुझे अपने सपने से ही अलग कर दिया। तभी राहुल ने मुझे कहा कि अब हम ऐसे नहीं रहेंगे, कल मैं तुम्हें तुम्हारे मायके छोड़ आऊँगा और वापस आकर घर में पैसे और गहने चुरा लूँगा। फिर 2 दिन बाद जब मैं तुम्हें ले आऊँगा तो हम लोग वहाँ से कहीं दूर भाग जाएंगे, अपनी अलग दुनिया में, इन सब से दूर। राहुल की इन बातों से मुझे बहुत सुकून मिली। अब मुझे एक उम्मीद जगी कि शायद अब मुझे ऐसे अत्याचार नहीं सहने पड़ेंगे। दूसरे दिन मैं अपने कपड़े डालकर पीहर के लिए राहुल के साथ निकल पड़ी। तभी राहुल के किसी दोस्त की दुर्घटना घटी तो राहुल को वहाँ जाना पड़ा। तभी राहुल ने मुझे मेरे पीहर जाने वाली बस पर बैठा दिया और खुद अपने दोस्त के साथ चले गए। तभी प्लान के मुताबिक हो रहा था, शाम का समय था। मेरे ससुर के पास मेरे पिताजी का कॉल आया तो उन्होंने कहा कि क्या हुआ जी, आपने आज नीतू को भेजा क्यों नहीं? तभी मेरे ससुर ने कहा कि ये क्या बात हो कर रहे हो, नीतू को तो सुबह ही बस पर बैठा दिया था। फिर राहुल के आने के बाद मेरे ससुर ने राहुल से कहा कि नीतू अभी तक अपने घर नहीं पहुंची है, क्या तुमने उसे सही से बस में नहीं बैठाया था क्या? तभी राहुल ने कहा कि नहीं, मैं तो उसे अच्छी तरह बैठा के आया था। अब राहुल भी बहुत घबरा गए कि आखिर नीतू गई कहाँ। मेरे मायके वाले भी आ गए थे, दूसरा दिन हो गया था लेकिन अभी तक मेरे बारे में कोई भी खबर नहीं आई थी। सबसे ज़्यादा राहुल दुखी थे कि आखिर मैं कहाँ गई। 2 दिन बाद वो मेरे साथ अपनी दुनिया बसाने वाले थे, लेकिन उससे पहले ही ये घटना हो गई थी। मेरी कोई खबर ना लगने पर सब लोगों ने पुलिस को खबर करने की सोची और थाने में जाकर रिपोर्ट दर्ज करवाया। पुलिस अपनी छानबीन में लग गई, तभी नीतू की बॉडी उन्हें सड़क के किनारे पर मिली। पत्थर से बार किया गया था जिसकी वजह से नीतू की पूरी बॉडी कुचली हुई सी थी। सब लोगों ने नीतू की बॉडी उसके कपड़े और हाथों पर बने टैटू से पहचान ली और अंतिम संस्कार कर दिया गया। अब सवाल था कि आखिर नीतू को मारा किसने? जब नीतू गई थी तो उसके गले में कई तरह के गहने डाले हुए थे जो लाश पर नहीं मिले। सब लोग ने इसे लूट कर मारने का इरादा समझ लिया था। कुछ दिन तक तो पुलिस ने छानबीन की लेकिन अपराधी नहीं मिला। फिर बाद में इस घटना को भुला दिया गया। सब लोग भी भूल चुके थे लेकिन नीतू को भुलाना राहुल के लिए नामुमकिन था। वह नीतू की याद में दिन रात रोता रहता। एक रात राहुल अपने कमरे में सो रहा था, तभी उसे खटखट की आवाज़ सुनाई दी। राहुल ने अपने कमरे का दरवाज़ा खोला और घर की पिछली तरफ गया जहाँ पर से आवाज़ आ रही थी। फिर उसने देखा कि नीतू के ससुर जमीन को खोद कर कुछ निकाल रहे थे। फिर उन्होंने जमीन से एक लाल रंग की पोटली निकाली और उसमें से कुछ गहने निकाले। राहुल ये सब देखकर चकरा गया। जब राहुल ने देखा कि वो वही गहने थे जो उस दिन नीतू पहनकर घर से गई थी, राहुल को सारा मंजरा समझ में आ गया। लेकिन वो ये सोचकर दुखी हो भी हो रहा था कि उसके पिताजी ऐसा कैसे कर सकते हैं। राहुल ने दूसरे दिन पुलिस को बुलवाया और सारी बातें कह डाली। नीतू के ससुर राहुल को गुस्से से देख रहे थे लेकिन फिर पुलिस की खौफ से उन्होंने कहा कि मैंने राहुल और नीतू की सारी बातें सुन ली थी कि ये लोग 2 दिन बाद भाग जाएंगे। तभी मैंने सोचा मेरे 4 बेटों का क्या होगा और हमारी बिरादरी में ही क्या इज्जत रहेगी। इसी डर से नीतू का पीछा करने लगा और कुछ मेरे गुंडे आदमियों की मदद से नीतू को मरवा दिया ताकि वो राहुल के साथ भाग ना पाए। और मैंने गहने निकाल लिए ताकि लोगों को लूटपाट का मामला लगे और हमारे गहने भी बच जाएं।
पुलिस अब नीतू के ससुर को गिरफ्तार कर चुकी थी। राहुल की आंखों से आंसू नहीं रुक रहे थे कि एक ऐसी प्रथा है जिसकी वजह से लड़कियों को इतनी तकलीफ झेलनी पड़ती है, और अगर वो खुलकर जीना चाहती तो उन्हें जान से मार दिया जाता है। राहुल अब अपनी पूरी जिंदगी नीतू की यादों में समर्पित कर चुका था। तो दोस्तों, एक काल्पनिक कहानी है, इसका आपके ज़िंदगी में होने वाले किसी भी चीज़ से कोई भी ताल्लुक नहीं है। आप सभी को यह कहानी कैसी लगी कमेंट करके हमें ज़रूर बताएं। कहानी अच्छी लगी तो चैनल को प्लीज़ ज़रूर सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।